गुड मॉर्निंग कश्मीर, गुड मॉर्निंग डल लेक। सुबह का बड़ा खूबसूरत नज़ारा, शानदार। मैं सो के उठने में थोड़ा सा लेट हो गया, मैंने सुबह की जो मॉर्निंग फ्लोटिंग मार्केट होती है वो मिस कर दी। मैं उसे कल शूट करूँगा, पर द व्यू इज ऑसम। टूरिस्ट कपल मेरे ख्याल से न्यूली मैरिड है, एंजॉयिंग द हॉलीडे। ये एक लोकल टैक्सी, मेरा मतलब है लोग यहाँ से वहाँ जाने के लिए इस छोटी कश्ती को यूज़ करते हैं। तो आज का प्रोग्राम हमारा इस शिकारा में घूमने का। ये हमारे जावेद भाई हैं जो हमारे पायलट हैं, हमारे इंजीनियर, हमारे ड्राइवर, और ये हमारा शिकारा एंजॉय द लेक, घाट नंबर 14, द डीलक्स वन। तो इसमें आज जावेद भाई हमें डल लेक की पूरा डल लेक हम कवर करने जा रहे हैं। इसमें आप क्या क्या दिखाने वाले हैं? इसमें हम दिखाने वाले हैं नेहरू पार्क, ओपन डल लेक है, स्विमिंग बोट है, कबूतर खाना है, नसीब लेक है, और चार चिनार है, फ्लोटिंग लैंड से यहाँ पे, और लोटस लैंड है यहाँ पे, मार्केट है मीना बाजार से। ये आज कंप्लीट हो जाएगा? आज इंशाल्लाह हो जाएगा, इंशाल्लाह। चलिए पहले ऊपर वाले की मदद से फिर आप कोशिश करेंगे। चलिए आइए चलते हैं, प्रभु का नाम लेकर के। उम्मीद है मैं नहीं गिरूंगा। हाँ, मैं नहीं गिरूंगा। और मैं ये इसके अंदर नहीं साहब, धन्यवाद, नहीं कुछ नहीं, दिन में ऐसा काम नहीं करते। संदीप भाई पूरे टांग फैला कर लेटे हुए। मैं आगे की तरफ और शूज निकालो सर। अच्छा जी, ये एक मोबाइल शॉप आई है हमारे पास चलते चलते, इन्होंने मुझे ये केसर के दो पैक बेचे, 2 ग्राम केसर इन्होंने 300 रुपये ईच बॉक्स दिया, तो 150 पर ग्राम। तो ये मैंने खरीद लिया इनसे। अब केसर दूध में डाला जा सकता है, खीर में डाला जा सकता है, और जो पुलाव में, बिरयानी में। ये लीजिए चाचा, ये आपका सामान, और ये आपके पैसे देता हूँ मैं। निकालना रहे 300 रुपये से, नहीं 600 दे रहे ना, ये 5 और 1 600 दे दे इन्हें। ये लीजिए, सर जी। जी सामने ये जो बोट दिख रहा है ना आपको, हनललुलु। हाँ, इसका नाम है बैटिंग बोट। बैटिंग बोट, बैटिंग बैटिंग बोट, बैटिंग बोट। हाँ, बैटिंग बोट। उधर आप कर सकते हैं सेफ राइडिंग। क्या क्या राइडिंग? वो आप उधर कर सकते हैं सेफ राइडिंग। व्हाट इज दैट? सेफ राइडिंग जो पानी के ऊपर होता है, चलता है। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, जाते हैं सूखा वापस आते हैं। ओके 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 ओके, आई अंडरस्टैंड, थैंक यू चाचा। ओके, हाँ दे दी। कश्मीर के लोगों में सबसे बड़ी बुराई ये है कि ये लोग इंडिया के लोगों के साथ चीटिंग करते हैं अपनी लैंग्वेज के आधार पे। मुझे नकली केसर बेची, यहाँ के एक लोकल दुकानदार ने बताया कि सर आपने नकली केसर खरीदी। मैंने बताया मेरा बोटमैन मुझे कह रहा था कि खरीद लो, जबकि ये बोटमैन भी जानता था कि ये केसर नकली है। और ये चीज़ पूरे कश्मीर में टूरिज़म इंडस्ट्री में घुसी हुई है। ये लोग चीटिंग करेंगे, और जो बंदा आपके साथ गाइड या आपका असिस्टेंट बना हुआ है वो जानता है कि आपकी जेब काटी जा रही है, बट वो चुप रहेगा। ये लोग एक ही बात बार बार बोलते हैं कि मुझे इसकी कसम उसकी कसम, पर करते ये झूठ ही हैं।
पूरे कश्मीर में सिचुएशन इस समय इतनी बढ़िया है, बीएसएफ आर्मी और सीआरपीएफ ने इतना बढ़िया मेंटेन कर रखा है, स्पेशली द क्रेडिट गोज टू द गवर्नमेंट, 2014 के बाद से जो लोकल पार्टीज के साथ में अलाइज करके जो गवर्नमेंट बनाई थी, उसके बाद जब ये 370 और 365 ए हटाया, उसके बाद यहाँ सिचुएशन बहुत शानदार है। कोई टेररिज्म का डर नहीं है, कोई डरता नहीं है, आर्मी ने इतना बढ़िया काम किया हुआ है कि किसी के भी चू करने के ज़ीरो चांसेस हैं। हमने आर्मी के कॉन्वॉयज़ देखे, वो इतने कॉन्फिडेंटली निकलते हैं, आर्मी के जवानों की उंगलियां बिल्कुल ट्रिगर्स पे होती हैं। दिस इज द मोस्ट फेमस प्लेस द चार चिनार। इसका रीजन मैंने जावेद जी से पूछा कि व्हाई इट्स कॉल्ड चार चिनार, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर छोटे से आइलैंड पे चार चिनार के बहुत पुराने पेड़ थे, जिसमें से एक बाढ़ में 2014 में वो डिस्ट्रॉय हो गया, खराब हो गया, ख़त्म हो गया, तो उसकी जगह पे एक दूसरा पेड़ लगाया गया है विच इज़ ग्रोइंग स्लोली। दिस इज़ वेरी फेमस, बहुत बहुत फेमस जगह है ये, जो 10 पॉइंट्स घूमे जाते हैं उसमें चार चिनार इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे ख्याल से हम इस जगह पे उतरेंगे भी, am I right, जावेद भाई? ओके, हम लोग यहाँ पे आधा घंटा रुकने वाले हैं, सो आई विल सी द प्लेस एंड आई विल शूट, ट्राई टू शूट एवरी डायमेंशन। नोटबुक यकीन करना मुश्किल होता है कि कोई लेक 33 किलोमीटर में फैली हुई है और 12.5 लाख लोग उसमें रहते हैं। और अब हम हमारे इस डल लेक के शिकारा टूर के एक पर्टिकुलर एंड पे पहुंच गए, जिस जगह का नाम है कैमल ब्रिज। इसे कश्मीरी भाषा में नगीन ब्रिज भी बोलते हैं। इसके साथ में एक बहुत अच्छी पुरानी बात जुड़ी हुई है, शशि कपूर जो फिल्म एक्टर थे, उनकी एक पहली फिल्म थी शायद जब जब फूल खिले, तो उसमें एक गाने की शूटिंग इस पर्टिकुलर जगह पे हुई थी। तो जैसा कि हर टूरिस्ट प्लेस पे होता है, उस जगह को टूरिस्ट को उस पर्टिकुलर फिल्म के साथ जोड़ के बताया जाता है। तो जावेद भाई मुझे भी बता रहे थे कि इस जगह पे उस पर्टिकुलर फिल्म के गाने की शूटिंग हुई थी, परदेसियों से ना आँखियाँ मिलाना। एंड इस पुल का यूसेज बेसिकली इसके राइट हैंड साइड पे, यहाँ ये निषाद बाग है, द फेमस वन इन कश्मीर, यहाँ पे, और इसके इस हाथ पे यहाँ इन जंगलों के पीछे एक बहुत बड़ा गांव है, तो उन गांव में रहने वाले लोग टू व्हीलर, साइकिल और बाइक्स का यूज़ करके उधर से इधर जाने में करते हैं। बस इसमें सिर्फ पैदल और टू व्हीलर वाले ही चल सकते हैं, कार या फोर व्हीलर नहीं जा सकता। इस पुल के पार आप जो लेफ्ट और राइट हैंड साइड पे ये जो ग्रीनरी देख रहे हैं, दिस इज द फ्लोटिंग लैंड। ये ज़मीन है पर नीचे जुड़ी हुई नहीं है, बहुत मिट्टी का बहुत मोटा टुकड़ा है जिस पे यहाँ के लोग सब्जियाँ उगाते हैं। और ये एक लोकल रेजिडेंट, अम्मा जी कम से कम 60 इयर्स की होंगी एंड शी इज़ रोइंग द बोट लाइक एनीथिंग। ये हाउस बोट्स का गांव है पूरा ना? अच्छा, गांव ज्यादा है, मतलब यहाँ के लोकल रहने वाले लोग ज्यादा हैं। हाँ वो ना,
वो क्या, ये तो जमीन में है कि ऐसे पानी है, पक्का जमीन है, ये लोग वो कारीगरी करते हैं। You will be surprised by knowing the cost of these houseboats. ये जो houseboats आप देख रहे हैं इनकी cost 1 crore, 2 crore, and 3 crore तक है। जिस houseboat में मैं ठहरा हूँ उसकी cost मेरे attendant ने बताई कि this is truly 2 crores। मैंने बोला इतनी कीमत, तो उसने बताया कि इन houseboats वालों को इतनी earning होती है इस जगह पे कि it is एंडलेस। इसका अंदाज़ा मैंने ऐसे लगाया, मेरे हाउस बोट की जो कॉस्ट है, रेंट है एक रात का, दैट इज़ 3000 रुपीज़, और वो कोई बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है। और उससे बढ़िया, बहुत बढ़िया वाले हैं जिनकी कॉस्ट 10,000-15,000 रुपये पर नाइट है। अब हमारी बोट यहाँ डल लेक के शॉपिंग एरिया में पहुँच गई। शॉपिंग एरिया में फ्लोटिंग मार्केट है ये, यू कैन सी दिस एस आर्ट्स एम्पोरियम एंड द क्यूरियो हाउस। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस फ्लोटिंग मार्केट। इसको देख करके थाईलैंड में जो बैंकॉक के पास डामनंग साडुआक फ्लोटिंग मार्केट है उसकी रिजेंबलेंस काफ़ी हो जाती है। ये एक फैमिली पूरी, ये लोगों की अपनी प्राइवेट बोट्स हैं, द फैमिलीज आर मूविंग इन द बोट प्राइवेटली। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्या देखने का पॉइंट है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी कार में या ऑटो में बैठकर किसी शहर की गलियों में घूम रहा हूँ, और मेरे आसपास स्कूल्स हैं और घर हैं, दुकानें हैं, मकान हैं, बस सड़क क्रॉस करने वाले लोग नहीं हैं। वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग। ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे पान की दुकान है जिसमें बाकी सारी चीज़ें बिक रही हैं। ये सैलून, नई नई दुकान। वेरी गुड, दिस इज द फ्लोटिंग रेस्टोरेंट। क्या बेच रहे हैं जनाब? मैं बेच रहा हूँ चिकन, फिश, मटन कबाब, मटन टिक्का, पनीर, मशरूम। वो बता रहा टिक्की, कुछ बता रहा था मटन टिक्का, टिक्की विद मटन टिक्का, मटन टिक्का, फिश टिक्का। क्या है क्या मुझे, हाँ मतलब मुझे तो एक तो मुझे तो खाना है। तो ये आ गई मेरी चिकन टिक्का विद नान मसाला रोटी। आई विल ट्राई दिस। बहुत ही सॉफ्ट चिकन टिक्का और कम से कम 4 तरह की चटनियाँ। 1, 2, 3, 4। आई विल ट्राई दिस। सरप्राइज, दिस इज अ मैकेनिक रिपेयरिंग शॉप, द फ्लोटिंग रिपेयरिंग शॉप। Yes.
एंड फाइनली वी हैव कंप्लीटेड अवर शिकारा टूर। हमने इस टूर में करीब 26 किलोमीटर रोइंग करी, बोट में ट्रैवल किया, विच वॉज वेरी गुड, ब्यूटिफुल, एंड वी सॉ मैनी डिफरेंट थिंग्स विच वी नेवर सॉ बिफोर। एंड आप लोग जब भी कश्मीर आए तो शिकारे में इसका फुल डे टूर लेना बिल्कुल नहीं भूलें, दिस इज रियली वर्थ एंड वैल्यूएबल। तो ये मेरा हाउस बोट, मैं थोड़ी देर आराम करूँगा और फिर शाम को कहीं और देखता हूँ।